गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह सुबह का टाइम है, अभी मैं सिर्फ उठा ही हूँ, उठ के जा रहा हूँ नहाने के लिए कि अभी मुझे जाना है लॉन्ग राइड पे। कहाँ जाना है वो चलते चलते बाद में बात करते हैं, पहले मैं नहा लेता हूँ। और नितिन जाता है आजकल सुबह जॉगिंग पे, उससे बोला है कि मैं कुछ क्लिप बना के लाया हूँ, वीडियो मैंने देखे तो नहीं है, लेकिन पहले आप वो देख लीजिए। नहा लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आया हूँ जॉगिंग पे अपने दोस्तों के साथ। इसका नाम है नवीन, इसका नाम है सचिन। मामा जी तो आ नहीं पाते क्योंकि वो सुबह काम करते हैं और रात को एडिटिंग में लग जाते हैं, इसलिए वो थक जाते हैं, इसलिए नहीं आ पाते। अभी एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ हो गया है, अब घर पे जा रहे हैं। नहा करके पूजा हो गई है और अभी पी रहा हूँ चाय, क्योंकि आज भी मेरा फास्ट है गणपति जी का। अभी मैं जा रहा हूँ लंबी राइड पे, जो मैंने सुबह बताया था उठते ही, वो श्री माधोपुर की है, जो मुझे अभी बाइक से ही निकलना है। तो जल्दी से चाय पी लेते हैं फिर निकलना है। लास्ट मोमेंट पे प्लान में हो गया है चेंज, क्योंकि जब मैं बाइक पे रेडी होके बाइक पे बैठ गया था निकलने के लिए, तब जाके प्लान चेंज हो गया कि हमने डॉक्टर से कांटेक्ट किया था जहाँ पे हम श्री माधोपुर जा रहे थे वहाँ पे, लेकिन डॉक्टर आज वहाँ पे मिलेगा नहीं, तो हमने चेंज कर दिया। तो अब हम जाएंगे गाँव की तरफ, मतलब झुंझुनू जाएंगे। झुंझुनू से आगे है एक गाँव, वहाँ पर डॉक्टर है, उनसे कॉन्टेक्ट हो गया है, उन्होंने बोला ठीक है मेरे पास आ जाओ, तो हमें वहाँ जाना है। तो वहाँ जा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमें घर भी जाना है, घर पास में ही है, रास्ते में पड़ेगा, पास में क्या, पहले घर ही आएगा जहाँ जिस डॉक्टर के पास हमें जाना, वहाँ से तो वहाँ से हमें प्रिंस और पारुल भी मिलेंगे, तो आज उनसे भी मिलने का मौका मिलेगा। उनकी याद आ रही थी वैसे पहले से ही, तो आज जल्दी मिलने का मौका मिल गया, अचानक से सरप्राइज सा हो गया मेरे लिए, तो मज़ा आएगा। हम निकल चुके हैं, ये हमारा ड्राइवर है छुटकुसा ड्राइवर है, 1.5 फीट का, बाइक चलाने की कोशिश करते हुए, लेकिन हाँ हो गया। तो अभी मिलते हैं सीधा घर पे, रास्ते में कहीं रुका तो शूट करेंगे, वरना बाइक में ही चलाऊंगा, तो रास्ते का तो वीडियो आएगा नहीं, तो सीधा घर पे मिलते हैं। ओके, यह है घोड़ी वाला मंदिर जो हमारे रास्ते में पड़ता है बीच में, तो यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट का स्टॉप लिया है। अभी रखे हैं हम झुंझुनू में एक स्टैंड पे, कुछ फ्रूट वगैरह लेने हैं, तो मेरे साथ में छोटे वाले जीजा जी, तो वो फ्रूट लाने के लिए गए हैं, और डॉक्टर के लिए इसलिए जा रहे हैं कि उनके ना एक दिन सुबह जब सो के उठे थे तो गर्दन में अचानक से दर्द होने लगा तेज, तो उनकी नसें खींच गई हैं, तो एक दो डॉक्टर को दिखाया है, वहाँ से तो इलाज हुआ नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं झुंझुनू, झुंझुनू आ गए हैं, अपना गांव है वहाँ पे, एक डॉक्टर है देसी, तो उससे इलाज करवाएंगे, हो जाता है तो। और इसके अलावा जो श्री माधोपुर का प्लान था, वहाँ पे क्या है कि नसों को दबा के ठीक करता है, तो वहाँ का प्लान था कि वहाँ पे दबा के वहाँ पे ठीक कर देंगे, तो आज वो मिला नहीं, तो वहाँ पे नेक्स्ट प्लान बनाएंगे, कब का बनता है, कल या परसों में जब भी बनता है तो वहाँ जाएंगे, फ्रूट लेके आ जाते हैं, तो निकलना ही है, ज़्यादा स्टॉप हमने दिया नहीं रास्ते में। ये प्रिंसी और मैं प्यारा प्रिंसी, हाँ, और ये प्यारा प्रिंसी, ए मोबाइल में दिखते हैं प्यारा प्रिंसी, ये रहा प्यारा प्रिंसी, हाँ ये फोटो लगा रखी है तुमने, हाँ पाल को शेड में कर दिया, अपनी फोटो लगाती, ये बड़ा समझदार है, ये वाली लगा दो। आज हम गर्मी में नहीं बैठे हैं, क्या हुआ गर्मी में, हाँ पंखा भी बंद है, हाँ लाइट गई है तो पंखा भी बंद है। जब मैं आया ना, तो जैसे इसके पास में आया, ये उस टाइम सो रहा था, सो के उठा ही था, तो मैं आपसे जल्दी उठ गया, कहाँ जल्दी उठ गया, मैं अभी आया तब उठा था, मैं आपसे जल्दी उठ गया, मैं आया तब उठा था, तब उठ के आया था, मैं तब से जल्दी उठ
और मम्मी चाबी डाल दी और मेरे पास नहीं आया और ना पापा के पास गया, सीधा मोबाइल लिया, मोबाइल में गेम खेलने लग गया और अभी खुद ही लग रहा मोबाइल में वीडियो बनाने। चले घर पे? ना नहीं, थोड़ी देर रुको, नींबू पानी मिलाने दो, तभी नींबू पानी पियेंगे तब तो नींदे। नींबू पानी पी के जाएगा और ये बोलेगी हाँ, थोड़ी देर तो रुको, बस गेम खेल रहे, गेम में ध्यान है। शावर में पानी नहीं आ रहा, अब कैसे ना आएगा? एक मिनट रुके, वाल बंद है, ये लॉक है। अच्छा यहाँ से लॉक है हाँ। अभी आएगा पानी? वो देखा, वो आ गया। अरे अरे वो देखो वो आ गया। ये सारा दिन मस्ती करता रहता है, सब जगह मस्ती करता रहता है, नहाते टाइम भी मस्ती, खाते टाइम भी मस्ती। ये देखो। हाँ मोबाइल यहाँ पे लगा दिया, टी शर्ट अपनी यहाँ पे रख दी और अब वीडियो बनाएगा नहाते नहाते। यार आप दिखा दो, दे क्या मुझे? मैं दिखाऊँ? हाँ। तो तू ये पजामा नहीं निकालेगा? तू पजामा नहीं निकालेगा? नहीं तो पानी डाल के मुंह में छुप गया, पानी में दूसरा भी है क्या? हर पाना नहीं दे भाई, मेरा मुंह छुप गया। वैसे एक बात सही बोल रहा है कि नहाने के लिए भी फिल्टर पानी आता है, ये फिल्टर पानी बोल रहा है, नहर वाला जो पानी आता है ना वो फिल्टर पानी आता है, तो उसके लिए बोल रहा है कि इसको पी भी सकते हैं हम फिल्टर वाला पानी से नहा रहे हैं। तो बॉल फेंकनी नहीं आती, मैं यहाँ पे होता हूँ और पारुल उस तरह बॉल फेंक देती है, उस तरह बॉल फेंक देती है। तेरा बैट यही है ना, तो इससे ही खेलना, मैं इससे खेलूंगा। नहीं मैं बॉल वाला मानूंगा, बॉल फेंकूंगा। बॉल वाला बनेगा हाँ। तू बॉल ही फेंकेगा सिर्फ हाँ। खेलेगा नहीं? ना मैं खेलूंगा। बॉल लेके आओ तो। मैं तू फील्डिंग करेगा, ये फील्डर है, ये फील्डर है, ये बॉलर है, मैं बैट्समैन, तीनों एक जैसे हैं। मुझे बैटिंग नहीं आती, इसे फील्डिंग नहीं आती, इसे बॉलिंग नहीं आती, तीनों एक जैसे हैं। वाह वाह। नहीं ये बॉल पतलने वाली, ऊपर से बॉल आई थी, अच्छा पतल दी। तो इससे पकड़ी नहीं जाएगी, और पकड़ी कहाँ जाएगी, पहली बात मेरे से मारी नहीं जाएगी, और तेरे से फेंकी नहीं जाएगी। लकड़ी लकड़ी थोड़ी स्टंप होते हैं वो तो। ये लड़का ना, ये लड़का, ये मत जब सुबह आया था लगभग 9:45 के लगभग, तो आप 10 मान लो, 10 बजे में आया था, तब ये उठ के आया था, और जब उठ के आया था आने के सीधा बात मिला भी नहीं, मतलब भी नहीं कि मामा जी आए कि पापा जी आए, कोई मतलब नहीं, बस सिर्फ मोबाइल हाथ लगा और गेम खेलने लग गया। उसके बाद से थोड़ी देर रहा होगा मेरे पास बीच में आके, बाकी मोबाइल क्या लगा रहा, दोपहर में मोबाइल चला रहा था, मैं सो भी लिया, सो के उठा लेकिन ये मोबाइल चला रहा था, सोने से पहले देखा तो मोबाइल चला रहा था, सो के उठ के देखा तो ये मोबाइल चला रहा था, शाम को भी मोबाइल चला रहे थे, और दिन भर ये दोनों सिर्फ मोबाइल चलाते रहते हैं। आज भी हम रोज़ की तरह टहल रहे हैं छत पे, बस छत दूसरी है, जगह दूसरी है, गाँव दूसरा है। वो क्लिप बनाई थी वीडियो, लेकिन वो वीडियो भी पहले नहीं था तो वो दिखाई नहीं पाए जब उसको लगी थी। देखो तो सही, ये देखो क्या जा रहा, ये बकरी है, ये उसको ऊंट बता रहा है और ये इसको बकरी बता रही है। वाह, पारुल को बकरी बहुत बेकार लगती है, वो पीछे रहा ऊँट। और अभी हम जा रहे हैं पास वाले शॉप पे गांव में ही सब्जी लाने के लिए,
क्योंकि अभी शाम का टाइम हो गया, सब्जी चाहिए की तो सब्जी है नहीं घर पे, तो सब्जी लाने के लिए जा रहा हूँ। साथ में मेरे जा रही है पारुल। हमारा डिनर आ गया है। हाँ क्या गया, मैं खुद लेके आया हूँ क्योंकि सुबह से खाना नहीं हुआ, लंच और ब्रेकफास्ट नहीं हुआ था आज, तो अभी डिनर होगा। आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपने वीडियो को अच्छे से इन्जॉय किया है। अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए